नमस्कार बुलेटिन को स्वागत करछि ममियो। देशरे कोरोना मामला बढ़ुच्छे, एभली परिस्थिति में मास्क सबुठ बड़ अस्त्र। आम आपण को बारंबार अनुरोध करछि मास्क पिंधतु। न्यूज 18 आरंभ करछि एक नुआ अभियान मास्क पेनो इंडिया। आपण शपथ करतु जेपर्यंत महामारी अछि मुहर मास्क काढ़े ना। जीवा खबर भितर को शपथ ने सुप्रीमकोर्टर नुआ विचारपति प्रधान विचारपति जस्टिस एन भी रमना नुआ विचारपति मानक शपथ पाठ करते। कोरोना महामारी एथर शपथ पाठ उत्सव प्रधान विचारपति प्रकोष्ठ न हो सुप्रीमकोर्टर नुआ भवन मीटिंग हल्ले नवनिजुक्त नुआ विचारपति रही कर्णाटक हाइकोर्टर विचारपति वि नागरत्न। अन्य छह जन विचारपति हेले कर्णाटक हाइकोर्टर मुख्य विचारपति जस्टिस एस ओका, गुजरात हाइकोर्टर मुख्य विचारपति जस्टिस विक्रमनाथ, सिक्किम हाइकोर्टर मुख्य विचारपति जस्टिस जेके माहेश्वरी, केरल हाइकोर्टर विचारपति सिटी रवि कुमार, मद्रास हाइकोर्टर विचारपति जस्टिस एमएम सुंदरेश, वरिष्ठ आईनजीवी पीएस नरसिम्हा। गुरुवार नौ विचारपति निजुक्ति उपरे मोहर मारिथिले केन्द्र सरकार। वरिष्ठता और दृष्टिकोण 2037 बेल को जस्टिस वि नागरत्न सुप्रीमकोर्टर प्रधान विचारपति होइपारंती। एपरी हेले से देशर प्रथम महिला विचारपति हेबे। कार्यकाल स्वल्प समय रहिब, मात्र 36 दिन पर प्रधान विचारपति दायित्व तुलेबे जस्टिस वि नागरत्न। सुप्रीमकोर्टर 77 वर्ष इतिहास में कौन प्रधान विचारपति तृतीय स्वल्प समय कार्यकाल हेबो। शपथ ने सुप्रीमकोर्टर नुआ विचारपति प्रधान विचारपति जस्टिस एन पी रमना नुआ विचारपति शपथ पाठ करते। कोरोना महामारी एथर शपथ पाठ उत्सव प्रधान विचारपति प्रकोष्ठ न हो सुप्रीमकोर्ट नुआ बासभवन मीटिंग हल्ले नवनिजुक्त विचारपति रही कर्णाटक हाइकोर्टर विचारपति वि नागरत्न। अन्य छह विचारपति हेले कर्णाटक हाइकोर्टर मुख्य विचारपति। राजस्थान बीकानेर में भयंकर सड़क दुर्घटना। श्री बालाजी निकट ट्रक कार मध्य मुहांमुही धक्का होती 12 जन घटनास्थल मृत्यु होता सूचना मिली। अन्य 6 गुरुतर आहत को चिकित्सा नियाजाई मेडिकल। हाईस्पीड जो यह दुर्घटना घटी कह पुलिस मृतदेह उद्धार कर पोस्टमार्टम पठाई दुर्घटना को नहीं शोक प्रकाश कर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत। नागौर जिला मुख्यालय के सीमावर्ती कस्बे श्री बालाजी में आज सुबह भीषण दुर्घटना हुई। इस दुर्घटना में 8 लोगों की मौके पर मौत हो गई, वहीं 3 लोगों ने नौका में इलाज के दौरान दम तोड़ दिया। इस दुर्घटना के बाद मौके पर बड़ी संख्या में ग्रामीण जमा हो गए। वहीं हादसे की सूचना मिलने के बाद श्री बालाजी थाना पुलिस व नागौर के CO विनोद कुमार मौके पर पहुंचे। इस दुर्घटना में क्रूजर जो कार है उसकी ट्रेलर से टक्कर हुई और क्रूजर में कुल 17 लोग सवार बताए जा रहे हैं, जो इस हादसे का शिकार हुए हैं। क्रूजर में सवार 8 लोगों ने मौके पर ही दम तोड़ दिया था। वहीं जो 3 घायल है उन्होंने नौका के राजकीय अस्पताल में इलाज के दौरान उनके दम तोड़ने की सूचना है। इस पूरी दुर्घटना को लेकर घटनास्थल पर भी बड़ी संख्या में लोग जमा है और घटनास्थल पर फिलहाल क्रूजर जो गाड़ी है वो दुर्घटनाग्रस्त है और साथ ही क्रूजर जो गाड़ी है वो ट्रेलर में फंसी हुई नज़र आ रही है। इस मामले में हादसे की जानकारी मिलने के बाद श्री बालाजी थाना पुलिस के अलावा नागौर के CO विनोद कुमार भी सूचना मिलते ही मौके पर पहुंचे और घायलों को अस्पताल पहुँचाने की कार्रवाई शुरू की। स्थानीय स्तर पर श्री बालाजी के सरपंच प्रतिनिधि सहित ग्रामीण भी मौके पर पहुंचे और दुर्घटनाग्रस्त वाहन से घायलों को बाहर निकालने में मदद की ताकि उन्हें समय पर अस्पताल ले जाया जा सके। दुर्घटना में 8 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई थी। वहीं जो घायल आधा दर्जन से अधिक लोग हैं उन्हें नौका ले जाया गया, जहाँ 3 और लोगों ने दम तोड़ दिया। दुर्घटना में अब तक कुल 11 लोगों की मौत हो चुकी है, बाकी घायलों का इलाज जारी है। इस क्रूजर गाड़ी में कुल 17 लोग सवार बताए जा रहे थे, ये सभी मध्य प्रदेश के रहने वाले बताए जा रहे हैं। जो ट्रेलर है वो नागौर से बीकानेर की तरफ जा रहा था। इस दौरान श्री बालाजी कस्बे के बाईपास पर यह भीषण दुर्घटना घटी है। इस घटना को लेकर जो पुलिस है वो तत्काल मौके पर पहुंची और मामले में
मृतकों के शव श्री बालाजी अस्पताल की मोर्चरी में रखवाए हैं। दुर्घटना में जो 8 लोगों की जान गई है उनके शव श्री बालाजी अस्पताल की मोर्चरी में रखवा दिए हैं। वहीं जो 3 घायल है जिनकी इलाज के दौरान मौत हुई है उनके शव नौका अस्पताल की मोर्चरी में रखवाए हुए हैं। बाकी घायलों का इलाज चल रहा है। कोड़े वर्षर मिशन डेडलाइन दिनक पूर्वर सरला। आमेरिका सेनार अफगानिस्तान अभियान शेष होती। डेडलाइन सरबार दिनक पूर्वर अफगानिस्तान संपूर्ण सेना प्रत्याहार कला आमेरिका। अफगानिस्तान छाड़ा अगस्ट 31 तारीख में आमेरिका को डेडलाइन देता तालिबान। यह दृष्टि रखि इवाक्युएसन प्रक्रिया को त्वरान्वित करता आमेरिका। गतल राति सेना प्रत्याहार संपूर्ण होती। रात्रि प्राय 3:29 काबुल विमान छाड़ी आमेरिका शेष C-17 ग्लोव मास्टर। राष्ट्रपति जो बिडेन कहते आमेरिकों जीवनहानि होगा दिज्वनी पूर्व निष्पत्ति अनुसार अफगानिस्तान छाड़ी आमेरिका सेना। तेज सामरिक अभियान शेष होते कूटनैतिक स्तर में इवाक्युएसन प्रक्रिया जारी रहा है। जो अफगानिस्तान छाड़क चाहूं से समस्त प्रकार सहायता जगे दिज्वे पूरा विमान बंदर को निज कब्जा को नहीं तालिबान आरंभ कर नुआ सरकार गठन कर प्रक्रिया। तालिबान नेता तथा इंडियान मिलिटारी एकाडेमी ट्रेनिंग नौता शेख मोहम्मद अब्बाक स्थानिक जाए अफगानिस्तान वैदेशिक व्यापार मंत्री हवा नहीं चर्चा होती। तेज तालिबान सरकार गठन पर अफगानिस्तान पड़ोसी देश सुसंपर्क रखा चाहे पाकिस्तान किंवा भारत पक्ष नेपरि अफगानिस्तान एपरिक अफगानिस्तान माटी को कौन देश विरोध में व्यवहार हाँ को दिज्व नहीं। 18 को स्वतंत्र भाव कहते शेख मोहम्मद अब्बास। अमेरिका सैन्य जीवापर एवं अफगानिस्तान उपर तालिबान संपूर्ण कब्जा। देश स्वाधीन हवा नहीं घोषणा करछि तालिबान एपरिक सरकार गठन नहीं आरंभ कर दलानी प्रक्रिया। वर्तमान काबुल ताजा चित्र सामना को आसी तालिबान सरकार गठन पर काबुल पहुंचले टॉप नेता। एथस सामना को आसी अमेरिका सैन्य काबुल छाड़ा पर किभली रही सहरर दयनीय स्थिति क्यों कार ओलुटी पड़ी पुणी क्योंठी राजरास्तार बुलुंच बंधुक जारी तालिबानी योद्धा। रास्ताघाट एक प्रकार खाली पड़ा देखा मिली लोकों मध्य भयर परेश देखा मिली आग को कौन हम ताक समस्त नजर। अमेरिका शेष सैनिक काबुल छाड़ा फोटो ट्वीट करते डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस मेजर जनरल क्रिस डोनाहुए। C-17 ग्लोव मास्टर चढ़ा पर आमेरिका तार सामरिक अभियान शेष करीटर उल्लेख कर 9/11 आतंकवादी आक्रमण पर मिशन अफगानिस्तान आरंभ करता आमेरिका यार भितर आक्रमण मास्टर माइंड को धरवे सफल होता। 20 वर्ष भितर एक मिशन जाए प्राय 2500 अमेरिका सैनिक जीवन। आमेरिका सेना काबुल छाड़ा पर उत्सव मन तालिबान शेष सैनिक विमान चढ़ी चलवा पर अफगानिस्तान संपूर्ण स्वाधीन भाव घोषणा करछि। तालिबान संग्रामी माने ब्लैक फायर करने सहित आतशबाजी कर विजय उत्सव पालन करछन्ति। विश्वर अन्यतम दरिद्रतम राष्ट्र विश्वर सबुठ शक्तिशाली सेना को तोड़िबार सफल होता तालिबानी पक्षर कहुच्छे। तालिबान मुखपात्र जबीउल्ला मुजाहिद कहते आमेरिका सेना काबुल विमान बंदर परित्याग करने आम देश संपूर्ण स्वाधीन पाइला। सोमवार राति शेष 5 विमान उड़ी चली जाए संग्राम अवसान घटी मुमर आनंद भाषा प्रकाश करें आमर 20 वर्ष आत्मबली सफल होली तालिबान मुखपात्र जबीउल्ला कहते। अफगानिस्तान माटी आतंकवाद पर व्यवहार हो पारे एने जातिसंघर संकल्प पारित होती। तालिबान मध्य एने सम्मति प्रकाश करपरी अफगान नागरिक जमी विदेश को जापारे से सुनिश्चित कर तालिबान सरकार। एथस मानवाधिकार महिला और संख्यालघु अधिकार जमी क्षीण हेनी से ध्यान देव तालिबान। जातिसंघर एने सम्मति प्रकाश करालिबान जातिसंघ आशा रखी तालिबान निज प्रतिश्रुति रक्षा कर।
ଆଫଗାନିସ୍ତାନରେ କିଭଳି ହେବ ତାଲିବାନ ଶାସନ, ଏହାକୁ ନେଇ ଚାଲିଛି ଆକଳନ। ତାଲିବାନ ଦାବି କରୁଛି ପୂର୍ବପେକ୍ଷା ନିଜ ଭିତରେ ଅନେକ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆଣିଛି, ହେଲେ ଏହା କେତେ ଦୂର ବିଶ୍ୱାସଯୋଗ୍ୟ ତାହା କହିବା ମୁସ୍କିଲ। କାରଣ ଏବେ ଯେଉଁଭଳି ଦୃଶ୍ୟ ସାମ୍ନାକୁ ଆସୁଛି ତାହା ଦର୍ଶାଉଛି ଆଗକୁ କିଭଳି ହେବ ଆଫଗାନିସ୍ତାନରେ ତାଲିବାନୀ ଶାସନ। ଭଲ କରି ଦେଖନ୍ତୁ ଏହି ଦୃଶ୍ୟ, ଆଫଗାନିସ୍ତାନରେ କିଭଳି ଚାଲିଛି ଇଣ୍ଟରଭ୍ୟୁ, ଏମିତି ସାକ୍ଷାତକାର ଯେଉଁଥିରେ ଆଖପାଖରେ ଛିଡ଼ା ହୋଇଛନ୍ତି ବନ୍ଧୁକଧାରୀ ତାଲିବାନ। ଏଭଳି ସ୍ଥିତିରେ ଆଙ୍କର କେଉଁଭଳି ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରିବ ତାହା ମୁସ୍କିଲ ନୁହେଁ। ଭାଇରାଲ ହେଉଥିବା ଏହି ଭିଡ଼ିଓ କେବଳ ତାହା ସ୍ପଷ୍ଟ ହୋଇନି, ତେବେ ସାକ୍ଷାତକାର ସମୟରେ ଯେଉଁ ବ୍ୟାନର ଲାଗିଛି ସେଥିରେ ଲେଖାଯାଇଛି ପିସ୍ ଅର୍ଥାତ୍ ଶାନ୍ତି ଷ୍ଟୁଡିଓ। ଏହି ଭାଇରାଲ ଷ୍ଟୁଡିଓ ଭିଡ଼ିଓକୁ ନେଇ ବିଭିନ୍ନ ମହଲରେ ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛି। ଅନେକ ଏହାକୁ ମଧ୍ୟ କହୁଛନ୍ତି ଆଗକୁ କିଭଳି ହେବ ତାଲିବାନୀ ରାଜ, ତାହା ଏହି ଭିଡ଼ିଓରୁ ସ୍ପଷ୍ଟ। କାବୁଲ ଆକ୍ରମଣରେ ପ୍ରାଣ ହରାଇଥିବା ଆମେରିକା ସୈନିକ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ କ୍ୟାଣ୍ଡେଲ ରାଲି, ଆମେରିକାରେ ରହୁଥିବା ଭାରତୀୟମାନେ ଦୀପ ପ୍ରଜ୍ୱଳନ କରିଥିଲେ। ୱାଶିଂଟନ ଡିସି, ନ୍ୟୁୟର୍କ ସିଟି, ନ୍ୟୁ ଜର୍ସି, ସାନ୍ ଫ୍ରାନ୍ସିସ୍କୋ, ଲସ୍ ଏଞ୍ଜେଲସ୍, ଆଣ୍ଟାଲା, ହଷ୍ଟନ୍ ସିଟି, ଚିକାଗୋ ସହ ଦେଶର ବ୍ୟାପୀ ରହୁଥିବା ଭାରତୀୟମାନେ ମହମବତୀ ଜଣେଇ ମୃତ ସୈନିକଙ୍କ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଶ୍ରଦ୍ଧାଞ୍ଜଳି ଅର୍ପଣ କରିଥିଲେ। ଆତଙ୍କବାଦ ବିରୋଧରେ ଲଢ଼େଇରେ ପ୍ରାଣ ହରାଇଥିବା ଆମେରିକା ସୈନିକ ପରିବାରକୁ ସମବେଦନା ଜଣାଇବା ସହିତ ଆତଙ୍କବାଦ ବିରୋଧରେ ଶାନ୍ତିପୂର୍ଣ୍ଣ ପ୍ରତିବାଦ କରିଥିଲେ। କାବୁଲ ବିମାନବନ୍ଦରରେ ହୋଇଥିବା ଆକ୍ରମଣ ପାଇଁ ପାକିସ୍ତାନ ସମର୍ଥିତ ଆତଙ୍କବାଦୀ ଗୋଷ୍ଠୀ ଆଇଏସ୍କେ ଦାୟୀ। ବିଗତ 20 ବର୍ଷ ମଧ୍ୟରେ ଭାରତୀୟ ଏବଂ ଆମେରିକୀୟ ସେନାକୁ ଟାର୍ଗେଟ୍ ଅନେକ ଆକ୍ରମଣ ହୋଇଛି। ଏସବୁ ଆକ୍ରମଣରେ ସମ୍ପୃକ୍ତ ଆତଙ୍କବାଦୀ ଗୋଷ୍ଠୀ ପାକିସ୍ତାନର ଆଇଏସ୍ଆଇଏସ୍ ଦ୍ୱାରା ତାଲିମପ୍ରାପ୍ତ। ବ୍ରେକ୍ ପରେ ସ୍ୱାଗତ। ରାଜ୍ୟରେ ଦିନକର ଆଉ 638 କରୋନା ଆକ୍ରାନ୍ତ ଚିହ୍ନଟ ହୋଇଛନ୍ତି। ସଂଗରୋଧରୁ 367 ଓ ସ୍ଥାନୀୟ ଅଞ୍ଚଳରୁ 221 ରୋଗୀ ଚିହ୍ନଟ ହୋଇଛନ୍ତି। 638 ନୂଆ ଆକ୍ରାନ୍ତଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ 18 ବର୍ଷରୁ କମ୍ ବୟସର 110 ଜଣ ରହିଛନ୍ତି। ରାଜ୍ୟରେ ସଂକ୍ରମିତଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା 10,07,750 ବୃଦ୍ଧି ପାଇଛି। ଏଯାଏ ସୁସ୍ଥ ହେଲେଣି 9,92,473 ଜଣ। 7,255 ଜଣ ଏବେ ବି ଚିକିତ୍ସାଧୀନ ଅଛନ୍ତି। ନୂଆ ଆକ୍ରାନ୍ତଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଖୋର୍ଦ୍ଧାରେ ସର୍ବାଧିକ 260, କଟକରୁ 57 ଆକ୍ରାନ୍ତ ଚିହ୍ନଟ ହୋଇଛନ୍ତି। ସେପରି ଅନୁଗୁଳରୁ 16, ବାଲେଶ୍ୱରରୁ 23, ଭଦ୍ରକରୁ 12, ବୌଦ୍ଧରୁ 12, ଦେବଗଡ଼ରୁ 11, ଢେଙ୍କାନାଳରୁ 10, ଜଗତସିଂହପୁରରୁ 19 ଏବଂ ପୁରୀରୁ 21 ନୂଆ ଆକ୍ରାନ୍ତ ଚିହ୍ନଟ ହୋଇଛନ୍ତି। ରାଜ୍ୟରେ ଆଉ 68 ଜଣଙ୍କ ଜୀବନ ନେଲା କିଲର ଭାଇରସ। ଏଥିସହ ରାଜ୍ୟରେ କରୋନା ଜନିତ ମୃତ୍ୟୁ ସଂଖ୍ୟା 7,969 ବୃଦ୍ଧି ପାଇଛି। ମୃତକଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ କଟକରୁ 22, ଅନୁଗୁଳରୁ 11 ଜଣଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ଜଗତସିଂହପୁରରୁ 8 ଜଣ ସଂକ୍ରମିତଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଛି। ସେପରି କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ାରୁ 6, ବାଲେଶ୍ୱରରୁ 5, ଢେଙ୍କାନାଳରୁ 4 ଜଣଙ୍କ ଜୀବନ ନେଇଛି କିଲର ଭାଇରସ। ଭଦ୍ରକ ପୁରୀରୁ 3 ଜଣ ଲେଖାଏଁ ଆକ୍ରାନ୍ତଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଥିବା ସୂଚନା ରହିଛି। ସେଭଳି ଯାଜପୁର, ଖୋର୍ଦ୍ଧା, ମୟୂରଭଞ୍ଜରୁ 2 ଜଣ ଲେଖାଏଁ ଆକ୍ରାନ୍ତଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ସୂଚନା ରହିଛି। ଦେଶର ଦିନକରେ 30,941 କରୋନା ଆକ୍ରାନ୍ତ ଚିହ୍ନଟ ହୋଇଛନ୍ତି। କେବଳ କେରଳରୁ 19,622 ନୂଆ ସଂକ୍ରମିତ ଚିହ୍ନଟ ଅଛନ୍ତି। କେରଳରୁ 24 ଖଣ୍ଡରେ 132 ଜଣଙ୍କ ଜୀବନ ନେଇଛି ମହାମାରୀ। ଏହାକୁ ମିଶାଇ ଦେଶରେ ମୋଟ ଆକ୍ଟିଭ୍ କେସ୍ ରହିଛି 3,70,640 ଥିବା ବେଳେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା 3,19,69,680 ଜଣ ସୁସ୍ଥ ହୋଇସାରିଲେଣି। ଏନେଇ କେନ୍ଦ୍ର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଓ ପରିବାର କଲ୍ୟାଣ ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟ ପକ୍ଷରୁ ସୂଚନା ଦିଆଯାଇଛି। ବ୍ରେକ୍ର ସ୍ୱାଗତ। ଧରାବତରଣ କରିଛନ୍ତି ଲୀଳାବାଇ ଭଗବାନ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ। ଗତକାଲି ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରରେ ଜନ୍ମାଷ୍ଟମୀ ନୀତି ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ଆଜି ରହିଛି ନନ୍ଦ ଉତ୍ସବ। ଗତକାଲି କଟକଣା ଯୋଗୁଁ ଭକ୍ତମାନେ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଦର୍ଶନରୁ ବଞ୍ଚିତ ହୋଇଥିଲେ। କେବଳ ସିଂହଦ୍ୱାରରେ ଶ୍ରୀ ପତିତପାବନଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରି ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ହୋଇଥିଲେ ଭକ୍ତ। ତେବେ ଆଜି ନନ୍ଦ ଉତ୍ସବରେ ଭକ୍ତମାନେ ଏସ୍ଓପି ଅନୁପାଳନ କରି ଶ୍ରୀଜୀଙ୍କ ଦର୍ଶନ କରିବାର ସୁଯୋଗ ପାଉଛନ୍ତି। ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁମାନେ ବୈଧ ପ୍ରମାଣପତ୍ର ଆଣି ଦର୍ଶନ କରୁଥିବା ପ୍ରଶାସନ ପକ୍ଷରୁ କୁହାଯାଇଛି। ତେଣୁ ଗତକାଲି ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ସହିତ ଜଡ଼ିତ କିଛି ମଠମାନଙ୍କରେ ଜନ୍ମାଷ୍ଟମୀ ପାଳନ କରାଯାଇଥିବା ବେଳେ ଗୌଡ଼ୀୟ ସମ୍ପ୍ରଦାୟର ମଠମାନଙ୍କରେ ଆଜି ଜନ୍ମାଷ୍ଟମୀ ପାଳନ କରାଯାଉଛି।
ଅଲମ୍ପିଆନ୍ ଦୁତିଚାନ୍ଦ ପୁରୀ ଆସି ମହାପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ଦର୍ଶନ କରିଛନ୍ତି। ତିନି ଦିନ ପରେ ଆଜି ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରରେ ସର୍ବସାଧାରଣ ଦର୍ଶନ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି। ଆବଶ୍ୟକ ପ୍ରମାଣପତ୍ର ସହ କୋଭିଡ୍ କଟକଣାର କାଳିଆ ଦର୍ଶନ କରିଥିଲେ ଦୌଡ଼ରାଣୀ ଦୁତିଚାନ୍ଦ। गणपर्व नुआखाई पर आज लग्न निरूपण कर संबलपुर अधिष्ठा त्रिदेवी माँ समलेश्वरी निकट में क्यों समय नवान्न लगी हे यह स्थिर करने संबलपुर झड़पड़ा ब्रह्मपुरा मंदिर में पंडित मान बैठक बस लग्न निरूपण हो प्रतिवर्ष नंदोत्सव दिन ब्रह्मपुरा मंदिर ट्रस्ट बोर्ड तरफ संबलपुर पंडित मान डक लग्न निरूपण करापर एक लग्न पत्र को समलेश्वरी मंदिर ट्रस्ट बोर्ड को प्रदान लग्न अनुजाई प्रथम माँ समलेश्वरी नवान्न लगवापर घर घर नुआखाई पर्व अनुषित होवार विधि रही। मयूरभंज जिला चारि उपखंड में बार घंटिया बंद डाकरा बंद पालन कर जिला पेशा ग्रामसभा सकाल छटू संध्या छ जाए पालन कर बंद उदला ब्लक श्रीपुर ग्राम से मे मस नौ तारीख में आदिवासी शाड़ संप्रदायर जाहिरा मारंगुरु ठाकुर प्रतिमूर्ति भांगी जाली पोड़ अन्यत्र फोपाड़ा सहित पूजा स्थान में परिसा कर अभियुक्त को गिरफ दावी कर बंद पालन कर पूर्व आदिवासी धर्मीय भावन में किसी असामाजिक लोकों आघात कर पूर्व करते अभियुक्त मानक गिरफ दाबी में जिला प्रशासन दाबीपत्र दिया किंतु प्रशासन कौन कार्यानुषान न नबार आज जिला पेशा ग्रामसभा पक्ष बंद पालन कर जिलार चारि उपखंड बारीपदा गप्तीपदा बामनघाटी पंचपड़ी अंचल विभिन्न स्थान में लोके रास्तारोक कर विभिन्न पारंपरिक अस्त्रशस्त्र और प्लाकेट धरी नाराबाजी कर रास्तार फल सका छु राज्य उभय पक्ष में गाड़ी अटक रही शीघ्र एने कार्यानुषान न ने आग को आंदोलन तीव्र कर चेतावनी देती। आज दुई दिन भुवनेश्वर आरंभ हो सेरो सर्भे यह दुई दिन धरी चलो आईसीएमआर अनुरोध क्रमे बीएमसी पक्षर पांचटी वार्ड में यह सर्भे बीएमसी तीनोटी जोन में यथाक्रमे आठ पंदर बतीस एकचाळीस और तेसठ सर्भे हे एथिपाई पांचटी टीम गठन हो शिशुं समेत विभिन्न वयस वर्ग प्रति वार्ड में अन्य दुई जन नमूना संग्रह करने बीएमसी पक्षर निर्देशनामा जारी हो। अधिक आलोचना करिबा मो सहयोगी निरुपमा सीधासलख फोन लाइन जोड़े होती निरुपमा भुवनेश्वर सेरो सर्वे वर्तमान आरंभ होने अपडेट कौन अधिका आजठ भुवनेश्वर आरंभ हो सेरो सर्भे एने दुई दिन चलो आईसीएमआर अनुरोध क्रमे बीएमसी पक्ष पांचट वार्ड में सेरो सर्भे कर निरुपम शुणीपुर आज भुवनेश्वर सेरो सर्भे बर्तमान सुधा आरंभ होगी कौन अपडेट अधिक सूचना कौन रही आप निश्चित भाव में अम्य जदि आम देखा आज सेरो सर्भेलांस भुवनेश्वर आरंभ होवल भुवनेश्वर का नुहे सारा राज्य में सेरो सर्वे करने जहां आरएमआरसी परामर्श आधार करी बीएमसी सहायत विभिन्न वार्ड में आम जब देखा आज सेरो सर्वेलांस आरंभ होरो सर्वेलांस प्राथमिकता दि जा छोट पा छोट पा के आंटीबॉडी सृष्टि होैक्सीन जेहेतु से दि जाए भितर केंटीबॉडी सृष्टि देखा पिला प्राथमिकता दि जाए यह सहित हेल्थ वर्कर फ्रंटलाइन वर्क वर्कर कहवा कि अन्य लोकों को नहीं विभिन्न लोकों को नहीं आज सेरो सर्वेलांस आरंभ कर तेरे आरएमआरसी जहां कहवा कथा 2020 मसीह जिते टीका आसी ना से सेरो सर्वेलांस
तृतीय लहर पूर्वरु पुणि ए सेरो सर्वे को करा जाउछि लोकको भितर केते एंटीबॉडी सृष्टि होइछि वैक्सीन नेबा पारे पुणि लोक माने जो माने संक्रमित होउछन्ति तांक पाखरे केते रोग प्रतिरोधक शक्ति अछि से सबको देखिबा पई विभिन्न वार्ड रे आज थारु सेरो सर्वेलांस आरंभ होइछि एवं प्रति वार्ड रो आम जे देखिबा प्राय 40 जन लोकको नेया जाउछि एवं पाखापाखि आज 200 लोकको नेई सेरो सर्वेलांस करा जइबो आसंता काली मध्य जारी रहइबो बीएमसी रो सहायता रे आशा कर्मी को सहायता रे घर घर बुली लोकंकु सचेतन करा जाउछि एंटीबॉडी परीक्षा करिबा पई एवं विशेष करी पिया मानको मध्य रे केते एंटीबॉडी सृष्टि होइछि रोग प्रतिरोधक शक्ति केते रहिछि ताकु जानिबा पई पिया मानको थारु मध्य रक्त नमूना संग्रह करा जाउछि एवं बीएमसी एरो विभिन्न वार्ड रे एही कार्य आज थारु आरंभ करा जाइछि एवं 2020 रे जेतबे टीका आसी नथला सेतेबेले थोरि सेरो सर्वे करा जाइथिया बेले टीका नेबा परे लोकको भितर केते एंटीबॉडी सृष्टि होइछि बा केते रोग प्रतिरोधक शक्ति बढ़िछि ताकु मध्य देखा जीव बोली जहा आरे भारतीय वैज्ञानिक कहिथिले निरुपम सब बड़ कथ रोज तृतीय लहर पूर्व गोटे सेरो सर्वे निश्चित भाव खास कर शिशु मानक अंतर्भुक्त करते गुरुत्वपूर्ण आप देखुं देखो शिशु विभाग आज भुवनेश्वर आरंभ हो सेरो सर्वे विभिन्न वर्गर लोकों सामिल कर खासकर शिशु मानक सामिल कर अधिक सूचना रखते मो सहयोगी निरुपमा बेहरा।